हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग फेशियल सीरम। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स। सीरम के लिए वी आर यूजिंग फ्रेश ऑरेंज जूस और मैं ऑलरेडी जूस निकाल के इसको एकदम रेडी करके रखी हूँ। अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल में विल ऐड सेम क्वांटिटी ऑरेंज जूस और दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान में रहे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब उसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून ऑफ स्वीट आमंड ऑयल एंड मिक्स देम टुगेदर वेरी नाइसली। फिर ऐड कीजिए 1 विटामिन ई कैप्सूल। आई हैव टेकन ईवी ऑफ 400। ऑरेंज में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और ये विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि विटामिन सी हम लोग की स्किन से डार्क स्पॉट रिड्यूस करने में, टैन एंड पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस ऑल फाइन लाइन्स रिंकल्स फ्रॉम आवर स्किन। सो ये जो सीरम है ये हमारे स्किन पे एज अ एंटी एजिंग सीरम की जैसा भी काम करता है। लीजिए आपका सीरम एकदम रेडी है। लेकिन ये सीरम एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी में नहीं होता है, क्योंकि इसमें फ्रेश ऑरेंज जूस एडेड है और इस सीरम को आप 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। फॉर स्टोरिंग दिस सीरम मैं ऐसी एक छोटी सी कांच की डिब्बी यूज कर रही हूँ और मेक श्योर आपका जो कंटेनर है वो एकदम सैनिटाइज होनी चाहिए। आप कांच की डिब्बी की जगह कोई भी प्लास्टिक कंटेनर भी यूज कर सकते हैं और इसको फ्रिज में रखेंगे। लीजिए आपका सीरम एकदम रेडी है। यू कैन यूज एज अ नाइट सीरम, ऑल्सो आप दिन में भी इसको यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मेक दिस सीरम एंड इसका फीडबैक देना मत भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।